element present at diagonal relationship, the element present at diagonal relationship have very close properties, have very close properties. वेरी क्लोज प्रॉपर्टीज कौन कौन से, जैसे मान लो बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड और अल्मोनियम का ऑक्साइड, बेरिलियम एंड अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3, तो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है, अल्मोनियम के साथ. तो इसका ऑक्साइड और इसका ऑक्साइड बोथ आर एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मतलब What is mean by amphoteric? जो एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी रखता है. तो AlBeO एंड Al2O, Al2O3, both are amphoteric, यानी दोनों amphoteric होते हैं. तो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप अल्मोनियम के साथ होता है, तो इसका भी ऑक्साइड और इसका भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है. तो एक प्रॉपर्टीज क्या हो गया, मैच कर गया. ठीक है, अभी बहुत सारा प्रॉपर्टीज मैच करेगा. तो ये पढ़ोगे कब, जब हम सेपरेट, अभी इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग के बाद सेपरेट टॉपिक स्टार्ट होता है, जैसे अल्कली मेटल वो सेपरेट बिल्कुल पढ़ोगे, फिर अल्कलाइन, अल्कलाइन का रिएक्शन वगैरह सब सेपरेट पढ़ोगे, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर ए ब्लॉक, ये इन्हीं के बारे में पूरा इनऑर्गेनिक में पढ़ना है. तो सेपरेट सेपरेट पढ़ोगे अभी सब. तो पहला जो हमारा एक प्रॉपर्टीज देखने को मिला, तो हम पूरा डायगोनल नहीं बताएंगे कौन कौन सा प्रॉपर्टीज मैच करता है, जब सेपरेट स्टार्ट होगा तो उस समय सारे आएंगे. तो बेरिलियम के ऑक्साइड और अल्मोनियम के ऑक्साइड दोनों का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है. बोथ ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड का भी काम करता है और बेस का भी काम करता है. अगर सामने वाला अगर एसिड आया तो ये अपने आप को बेस बोल देगा, और सामने वाला अगर बेस है तो ये अपने आप को एसिड बोल देगा. ठीक है, एम्फोटेरिक. तो एक प्रॉपर्टीज मैच किया. अब आगे लिखना सेकेंड, Be2C बेरिलियम कार्बाइड, इसको कार्बाइड बोलते हैं, और Al4C3 इसको बोला जाता है अल्मोनियम कार्बाइड. बेरिलियम कार्बाइड एंड अल्मोनियम कार्बाइड प्रोड्यूस मीथेन. 10th में पढ़ गए होंगे मीथेन का फॉर्मूला. ऑन हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए. तो यहां हम रिएक्शन वगैरह करवा नहीं रहे, ध्यान रखना. इसको बोला जाता है बेरिलियम कार्बाइड, लिख लेना बेरिलियम कार्बाइड और इसको बोला जाता है अल्मोनियम कार्बाइड Al4C3. जब दोनों का रिएक्शन वाटर से कराया जाता है, हम यहाँ रिएक्शन करवा नहीं रहे, डायरेक्ट हमें जानना है. जब दोनों का रिएक्शन वाटर से कराया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी रिएक्शन विथ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस. तो दोनों के केस में मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है. तो इससे समझ में आता है कि दोनों का प्रॉपर्टीज, जब हम हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, दोनों को कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इसका प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है. तो यहाँ पर एक डेमो टाइप का दिया गया, मतलब दो बस बताया गया, आगे अब नहीं बताया गया. तो आगे हम भी नहीं बताएंगे, जब सेपरेट टॉपिक आएगा, मतलब इसमें से ज्यादा अभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे. तो बेरिलियम के बारे में बस दो बात बताया गया कि बेरिलियम का अगर डायगोनल रिलेशनशिप अल्मोनियम के साथ है तो दो प्रॉपर्टीज यहाँ मैच किया है, इसका ऑक्साइड और इसका ऑक्साइड, दोनों का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एक प्रॉपर्टीज मैच किया. इसके कार्बाइड और इसके कार्बाइड को हाइड्रोलाइसिस जब किया जाता है तो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है. तो
इस तरह से बताया गया कि डायगोनल रिलेशनशिप ये होता है। क्लियर बात हो गई? तो डायगोनल रिलेशनशिप क्वेश्चंस क्या क्या पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, बोरॉन का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, साथ में एक दो क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा। इससे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में डायगोनल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। और किसके वजह से, तो चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस के वैल्यू बराबर होता है। और एक चीज और ध्यान रखना कि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ होता है ना, लिथियम का रिलेशनशिप मैग्नीशियम। तब तुम्हें कहीं पूछ देगा कि लिथियम का रेडियस, तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा कहां पे, बीके जसवाल में, लिथियम प्लस का रेडियस और मैग्नीशियम प्लस टू का रेडियस, दोनों का रेडियस लगभग बराबर होता है, दोनों का रेडियस लगभग बराबर होगा, और नहीं तो इसमें दोनों का रेडियस लगभग सिमिलर होगा, इसलिए कि दोनों के बीच में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। कोई एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, किसने पूछा था एक क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, ऋषभ पूरा क्वेश्चन भेजना मेरे को, मैं बता दूं, भीके जसवाल में क्वेश्चन है ये, ऑर्बिट यहां नहीं चेक करेंगे, एक्सेप्शनल है, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप बोथ हैव रेडियस आर अप्रोक्स इक्वल। सर इज दिस ओनली लिथियम, क्या लिथियम मैग्नीशियम का ही होगा, बाकी में नहीं हो पाता है, एक बार क्वेश्चन पूरा देखने दो। तुम लोग भी के साल में क्वेश्चन नहीं पढ़े, आया था क्वेश्चन हो भाई। सर वेन वी शुड भी के जसवाल टॉपिक फिनिश होने के बाद, जैसे तुम लोग एग्जाम है ना, अब अगले ट्यूजडे को जो या वेडनेसडे को एग्जाम है ना, तो अभी तुम इस समय पढ़ा दिया एनेसेंथैल्पी, सिलेबस मिला तुम लोगों, नहीं मिल जाएगा, तो डेली बेसिस पे तुम्हें पढ़ना है, ऐसे नहीं कि तुम्हें सैटरडे को पढ़ना है या संडे को पढ़ना, डेली बेसिस पे एक अपना रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ कि हमें करेंट टॉपिक के लिए एक घंटा दो घंटा टाइम देना है, प्लस जो एग्जाम का शेड्यूल है उसका हमें, तुम बस वही तैयारी करो, एग्जाम का परफॉर्मेंस तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, अपने आप तुम्हारा सब तैयारी हो जाएगा, तुम्हें अलग से दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम कैसे पढ़ाई करें कैसे नहीं करें। एक तो करेंट टॉपिक अच्छे से बहुत समझ में आना चाहिए कि हम आज अगर पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या पीसीबी का हम करेंट टॉपिक पे टाइम देना है, करेंट टॉपिक के टाइम केवल रीड नहीं करना है, क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं, और उसके लिए वॉल्यूम पीडीएफ में मिला होगा तुम लोगों को, गोडावत का वॉल्यूम, उसको मस्ट करना है। उसको कब करना है तुम्हें, जब टीचिंग हो रहा है तभी करना है, जैसे आज मैंने टीचिंग किया डायगोनल का, तो डायगोनल के रिगार्डिंग तुम उसमें टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, एटलीस्ट लेवल वन और लेवल टू बना लेने का, उसमें बिल्कुल क्लियर के लिखा हुआ क्लास वर्क है, ये होमवर्क है, नहीं आए तो उसको राउंड करने का, आज के डेट में आज ही का टॉपिक क्लियर करने का, और वॉल्यूम से वो हो गया तुम्हारा। अब एक दूसरा प्लानिंग करना है तुम्हें कि एक सेट में अपना करेंट टॉपिक पीसीबी या पीसीबी का पढ़ लो, एक बार जब बैठो ना पढ़ने तो पूरा एक सेट करेंट टॉपिक पूरा निपटा दो कि आज जो हमने पढ़ाई किया है वो हमने वॉल्यूम के रिगार्डिंग थ्योरी और प्लस वॉल्यूम के रिगार्डिंग हमने तैयार कर लिया, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स वगैरह जो तुम्हें क्वेश्चन मिला कि ये यूनिक क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट नया डेवलप हो रहा है, उसको स्टिकी नोट्स पे या तो अपने नोटबुक में चिपका लो ताकि बाद में जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें तुरंत एक बार में वो याद आ जाए, तुम्हें ज्यादा उस पर टाइम देने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो टाइम भी सेव करना है क्योंकि अभी धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, उस बर्डन को ना बढ़े उसके लिए करना होगा, ठीक है। तो एक सेट में तुम्हें निपटा देना है पीसीएम पीसीबी को। दूसरा सेट जब पढ़ने बैठो, कम से कम चार घंटा पांच घंटा का ड्यूरेशन रखो, एक टाइम जब बैठो तो चार घंटा पांच घंटा कंटिन्यू पढ़ो, दो सेट में पढ़ाई करो,
ठीक है, अब तुम्हारा मर्जी, तुम सुबह पढ़ते हो कि रात को पढ़ते हो, दो सेट में पढ़ाई करो, एक सेट में 4 से 5 घंटा कंटिन्यू, कोई खाना पीना, कोई मोबाइल, कोई व्हाट्सअप, कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साइलेंट हो गए 5 घंटा 4 घंटा पढ़ना, करंट को निपटा देना। तुम्हारा टारगेट है कि हमारा करंट निपट जाए। उसके अलावा 4-5 घंटा का एक और सेट बनाओ अपना, उस सेट में जो तुम्हारा पेपर आ रहा है ताकि तुम अच्छा परफॉर्म कर सको, जो तुम्हारा शेड्यूल है उसके अनुसार से तुम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, पीसीएम का या पीसीबी का, उस दूसरे वाला सेट में। ठीक है, सेट में पहले रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो वॉल्यूम का क्वेश्चंस आना चाहिए। देखो तुम्हारा जो पेपर सेट होने का सेट होता है वो स्टार्टिंग में जब तुम आए तो तुम बोल दिया कि यहाँ से सेट हो, अब बोला नहीं जाएगा तुमसे कहाँ सेट होगा, लेकिन जो सेट होने का जो मतलब उसका प्रोग्राम है वो मैं बता रहा हूँ कहाँ से सेट होता है। जैसे केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन है पीसीएम को या 45 क्वेश्चन है, तो 45 में से कम 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन 50% मान के चलो वो तुम्हारे वॉल्यूम से आता है। वॉल्यूम से बोले तो जो गोदावत का वॉल्यूम है पीडीएफ, और आधे से अधिक मतलब 60-40 का रेशियो लगा लो या 50-50 का, वो या तो वीके जायसवाल से आएगा या तो के कुमार से आएगा। तो तुम्हें पढ़ना कैसे है स्टार्टिंग में, अब तुम्हें अगर करेंट में अच्छे से पढ़ते हो तो तुम्हारा जो शेड्यूल रिवीजन का है वो भी अच्छा जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो भी नहीं जाएगा, तो उसमें भी टाइम कम लगेगा, और 1-2 दिन पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं होना है, कंटिन्यू तुम्हें मान के चलना है 2 साल पढ़ना है। तो रिवाइज में जब तुम टेस्ट के लिए पढ़ो तो उसमें पहले वॉल्यूम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद वीके जायसवाल का क्वेश्चन और के कुमार का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। समझ में आएगा, क्योंकि तुम टाइम हो, तुम्हारा हिसाब से स्मार्ट वर्किंग कैसे करोगे, तुम उसी टाइम में टॉपर सब कर लेता है और उसी टाइम में कोई वॉल्यूम भी नहीं कर पाता है, इसका मतलब तुम टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे हो, तुम टाइमिंग जो तुम्हें यूटिलाइज करना था उसको तुम दूसरे वे में बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें जो एमसीक्यू लगाने का टाइम उसमें थ्योरी पढ़ रहे हो, जब ये करना था तो वो कर रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट ये स्मार्ट वर्किंग खुद ही आ सकता है, कोई कितना भी टीचर बोल ले या कुछ कर ले ये कोई दूसरा उसको प्लान नहीं कर सकता है, कोई जो टॉपर है वो उसी टाइम उसके लिए 24 घंटा ही होता है, और जो नहीं पास करता उसके लिए भी 24 घंटा होता है, उसमें कितना वो अपने आप को मेंटेन करता है वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे उसको अपने आप को उसको एक शेड्यूल में एक टाइम रूटीन में फॉलो कर रहे हो। तो हर चीज देख के करना पड़ता है, तो रैंक मेंटेन करो और रैंक लाओ, ठीक है, रैंक लाओगे अच्छा परफॉर्मेंस होगा तभी तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा, ये बात ध्यान में रखना कि दीपक सर क्या बोल रहे थे। अगर तुम रिजल्ट निकालने आए हो जेई का नीट का तो रैंक लाओगे तभी निकलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी एक कॉमन स्टूडेंट की जैसा, क्योंकि तुम हर साल देखते हो कि पंपलेट पे गिने चुने बच्चों का, तुम कोई भी पंपलेट उठा लो किसी के इंस्टीट्यूट का, तो मैं पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पंपलेट उठा के देख लो गिने चुने स्टूडेंट का इस पे नाम होता है, नाम सुने हो ना तुम लोग, शशांक एतकर का, शशांक का यहीं से उसने एडवांस क्वालिफाई किया है, ठीक है, क्लासरूम से ही अपने सांगली ब्रांच से ही एडवांस क्वालिफाई किया उसने, तो अभी तो आता नहीं, पिछला बार आया था। तो एक तुम्हें अब वो स्टूडेंट ऐसा था कि उसको एक बुक नहीं 10-10 बुक सोल्व कर देता था, सोचो वॉल्यूम भी, केमिस्ट्री का वीके जायसवाल भी, और अच्छे से नहीं कि बस देख लिए हो गए, नहीं अच्छे से, के कुमार भी, रिजोनेंस का भी, कोटा का भी मटेरियल, मतलब अपने आप को ऐसे मैनेज करना कि बहुत सारा चीजें सोल्व करता हो। टॉपर बनने के लिए तुम्हें यूनिक करना पड़ेगा, विदाउट तुम्हारे में जब यूनिक नहीं होगा वो चीजें ना तो तुम टॉपर कभी नहीं बन पाओगे। टॉपर बनने के लिए टॉपर के जैसा तुम्हारा बिहेव और टॉपर के जैसा तुम्हारा प्रोग्राम शेड्यूल होना चाहिए, तब तुम एक टॉपर कहलाओगे। और ये जुनून है 2 दिन या 3 दिन रखने से नहीं होगा,
जिसके अंदर है कि नहीं हमें कुछ करना है और हमें कुछ बनना है और हमें रिजल्ट निकालना है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं होना है। तुम, मैं क्या बोला, तुम गोडावत के शेड्यूल के अनुसार से चलो। तुम्हारा एक ही टारगेट है कि हमें बहुत सारा चीजें नहीं सोचना है तुम्हें। तुम्हारा टारगेट एक है कि हर वीक में जो हमारा एग्जाम होता है उसमें हमारा बेटर परफॉर्मेंस आए, और उस बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब नहीं कि एग्जाम में बैठ रहे हो तो सिली मिस्टेक कर रहे हो, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, रटेरटा क्वेश्चन आएगा तभी हम कर पाएंगे। दूसरा अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जेई में और नीट में रटेरटा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे कि लाओ गोडावत का वॉल्यूम उसी में से सेट करते हैं और फिर बच्चों को बता दिया जाएगा कि गोडावत के वॉल्यूम में से सेट किया गया है। ऐसा होगा क्या? क्वेश्चन अननोन आएंगे तुम्हारे सामने, दिमाग वहां लगाना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन देखा हुआ नहीं रहेगा, पहला बार तुम्हें दिमाग लगाना है, पहला बार उसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो उसके जैसा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हो जाता है धीरे धीरे, उसके लिए कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम 10th में जब आए थे और अभी के टाइम में लगभग 2 मंथ हुआ ना, तो अभी के टाइम में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तुम अपने आप से अगर क्वेश्चन करोगे कि हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं, तो ये चीज का जवाब तुम्हें खुद मिलेगा। तो आने वाले दिनों में और भी इम्प्रूवमेंट होगा, बट एक ही तुम्हारा टारगेट है कि हर वीक में जो पेपर हो उसको बहुत अच्छे ढंग से हमें रैंक लाना है, उसमें अच्छे मार्क्स लाना है। तो मालूम होना चाहिए कि पीसीएम और पीसीबी में जो रैंक 1 आया है, पीसीएम में आउट ऑफ 360 में 360 लाया है, जो पहला रैंक है तो फर्स्ट रैंक, और पीसीबी में 701 नंबर कल बोला था ना मैंने, 701 या 702 बोला था, तो पीसीबी में 720 में से 701 लाया है कोई लड़का या लड़के और तिगरे का, और अपने सांगली ब्रांच का 652 या कुछ है, 660 के आसपास है। तो कम से कम 30 नंबर 40 नंबर पीछे है अभी। 40 नंबर का मतलब 10 क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा करना है तुम्हें। तो ये नहीं कि टेंशन लेके बैठ गए कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, ऐसा भी होता है कि दिमाग में हौच-पौच हो गया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, वीकली एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म करना है, दैट इज योर टारगेट। बाकी कोई चीज नहीं सोचना है कि हमें रामायण लेके बैठ गए पढ़ लें और कुछ आया ही नहीं। रामायण नहीं पढ़ना है तुम्हें, तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करना है। ये नहीं कि रामायण लेके पढ़ गए और जब लक्ष्मण को लगा बाण तो गए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने, पूरा देखने लग गए तो पूरा पहाड़ी संजीवनी बूटी, कुछ पहचान भी नहीं। तुम्हें पहचानना है कि ये है, तो एमसीक्यू करोगे तब पहचानोगे। तुम्हें अर्जुन बनना है, मछली नहीं दिखाई देना चाहिए, मछली की आंख दिखाई देना चाहिए। समझ में आया क्या? तो इंस्टीट्यूट में क्यों ज्वाइन होते हैं, उसको उस तरह से बनाया जाता है। उसको स्कूलिंग में थ्योरिटिकल ज्यादा होता है, इंस्टीट्यूट में एमसीक्यू रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए हमें क्वेश्चंस को करना होता है, क्वेश्चंस करोगे एमसीक्यू जो तुम्हारा थ्योरी पार्ट है अपने आप होता चला जाएगा, वो दिमाग में सेट हो जाएगा। ये कौन है ओजसपुर है, इस वीक का पेपर का सिलेबस क्या है, मैं सेट करता हूँ क्या, मैं बोलता हूँ ना ये सब चीजें मेरे से नहीं पूछने का। तुम्हें एग्जाम कब होगा, किस टाइम पे होगा, कितने पेपर हुए, हमें नहीं मालूम रहता है। जब पेपर सेट करना होता है तब हम करते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग किया जाता है सब मैनेजमेंट देखता है, सब मैनेजमेंट बोले तुम्हें कौन सा सिलेबस होगा। हम बस लिख के देते हैं, ब्रेक नहीं मिलेगा, लेट आया ना मैं। चलो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज ऑलवेज सेट फॉर्म अतिग्रे, तो क्या चाहते हो कि मैं सेट करूंगा, तुम आउट ऑफ लाओ। रेडियस व्हिच इज द क्लोजेस्ट टू लिथियम, लिथियम प्लस का क्वेश्चन लिखो एक, रेडियस ऑफ व्हिच आयंस क्लोजेस्ट टू दी, रेडियस ऑफ विच आयंस इज क्लोजेस्ट टू दी
रेडियस ऑफ विच आयंस इज क्लोजेस्ट टू दी लिथियम प्लस आयंस, रेडियस ऑफ विच आयंस इज क्लोजेस्ट टू दी लिथियम प्लस आयंस। ऑप्शन में लिखो एन ए प्लस, बी ई प्लस टू और एम जी प्लस टू और फोर ए एल प्लस थ्री। अब ये मत सोचना ना कि एटॉमिक रेडियस तो हमारा पेपर हो गया, अब ध्यान नहीं देना है। ये जब तुम्हारा दे लोगे ना तो फिर एक कमुलेटिव टेस्ट होगा, समझ में आया क्या? उस बार पूरा सिलेबस होगा तुम्हारा, उसमें रेडियस भी होगा और उसमें यूनिक यूनिक क्वेश्चन डाला जाएगा, उसमें क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये अभी पार्ट चल रहा है, पार्ट टेस्ट हो रहा है तुम्हारा कि रेडियस आया, फिर आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आएगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, फिर जब पूरा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक कम्युलेटिव टेस्ट होगा जिसमें कि पूरा ये एटॉमिक रेडियस के रिगार्डिंग सारा, सॉरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग सारा चीजें दिया जाएगा, उसमें कोई पार्ट नहीं होगा, पूरा होगा वो। तो उस समय परफॉर्मेंस जो बेटर करता है उसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा सिलेबस को उसने कैसे कवर किया है। तो तुम्हारा केवल काम डेली बेसिस से पढ़ना नहीं है, उसको सहेजना भी है। हम पढ़ लिए अब भूल गए, उसको हमें माइंड में रखना भी है। और कैसे तुम अपना रिवीजन शेड्यूल करते हो, रिवीजन शेड्यूल मतलब एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम का तुम्हें तैयारी करना है, वो तुम्हें रिवाइज करवा दिया जाएगा एग्जाम के थ्रू, हर चीज रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो तुम्हें खुद से रिवीजन नहीं करना है, तुम्हें टारगेट रखना है एग्जाम पे कि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कैसे करें, वही तुम्हें करना है कि कैसे हम सर रिवीजन करें, कैसे सब तुम्हें करवा दिया जाएगा। वो ऐसे ऐसे एग्जाम रखा जाएगा ना कि तुम अपने आप विवश हो जाओगे उस रिवीजन करने के लिए। तो ऐसे फॉर्मेट बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एमजी प्लस टू। लिथियम प्लस का जो रेडियस है वो एमजी प्लस टू के बराबर लगभग होता है, और उसका रीजन होता है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, बेरेलियम का और नियॉन का जब रेडियस तुमसे पूछेगा, इस बार शायद एग्जाम में पीसीबी को आया था, इसका होता 153 पिकोमीटर और इसका होता 154 पिकोमीटर। थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, ये थोड़ा ज्यादा होता है, लिख लो इसको। हर चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है, तुम्हें जो चीज तुम वीके जायसवाल बनाओ या के कुमार बनाओ, अगर तुम्हें यूनिक क्वेश्चंस मिलता है उसको स्टिकी नोट्स पे अपने नोटबुक पे रखो। किसी ने देखो यहाँ जितने भी बैठे हो कोई स्टिकी नोट्स नहीं लगाया है, यूनिक क्वेश्चंस लिखने का, बराबर है क्या? कोटा के बच्चों को मैं तुम्हें दिखा दूंगा नोट्स ना तो पागल हो जाओगे, एक एक पेज में 10 स्टिकी नोट्स लगा कर रखते हो, एक पेज में उनके 10 स्टिकी नोट्स होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ऐसा तैयार करते हैं कि बाद में जब रिवीजन के टाइम आए तो हमें कम से कम टाइम में जल्दी से रिवाइज करके हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। और जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से सेट होता है जहां स्टूडेंट गलतियां करते हैं, समझ में आया क्या? हेलो, ठीक है। तो नोटबुक में जब तुम क्वेश्चंस बनाओ तो उसको एज ए रिवीजन पर्पस के लिए स्टिकी नोट्स लगाओ, ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पर ऐसा है, क्वेश्चंस भी हो सके तो लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिए ना? तो बोर्ड पे कोई भी चीज अगर फैकल्टी लिखे या बताए उसको नोटबुक में होना चाहिए, यानी कि टेंथ का जैसा बैठोगे सर लिखवाएंगे लैंग्वेज में, सर स्टेटमेंट में दो तब हम लिखेंगे, तब तो तुम्हारा नीट और जेई निकला, तुम निकाल लिए। सर स्टेटमेंट में लिख के दीजिए तब मैं लिखूंगा। तो ना तो टीचर के पास इतना टाइम होता है ना तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि स्टेटमेंट में लिख के दे टेंथ के जैसा, तब तुम याद करो। क्योंकि सिलेबस इतना है कि तुम तो सिलेबस को
चलो हम आगे पढ़ते हैं, अब हेडिंग डालो, अभी पीरियोडिक टेबल में ही कुछ कुछ पॉइंट्स है। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड, राइट डाउन हेडिंग एनोमेलस, एनोमेलस। अब छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है, एनोमेलस प्रॉपर्टीज अब मेन टॉपिक हम पढ़ लिए, ये सब इंफॉर्मेशन बेस है। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। डायगोनल रिलेशनशिप और किसी का नहीं होता है, जितना लिखवाया उसी का होगा, तीन सेट का। एनोमेलस प्रॉपर्टीज, एनोमेलस मतलब यूनिक बिहेवियर, डिफरेंट। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, जैसे मान लो बी सी एन ओ एफ और इसके नीचे है अल्मोनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ये है सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है वो उसका कुछ डिफरेंट बिहेवियर होता है थर्ड पीरियड से या बाकी पीरियड से। तो अभी तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये कैसे डिफरेंट है, जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ना तो ये अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे अलग है, ठीक है। तो अभी थोड़ा फील अभी नहीं आएगा, तो सेकेंड पीरियड जो है वो थर्ड पीरियड से डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। अब कौन कौन से डिफरेंट बिहेवियर हम जानेंगे, बट इसका बिहेवियर इनसे अलग है, जैसे बोरॉन का बिहेवियर अलग है। अब जैसे मैं बात करूं एक तुम्हें, जैसे जो तुम पढ़े हो, बोरॉन का मैक्सिमम वैलेंसी 4 होता है जबकि अल्मोनियम का मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, अलग है, डिफरेंट दिखा दिया, जबकि इसी में ग्रुप में है तो दोनों का ऐसा हो, वैसा क्यों हो रहा है वो बाद में बात कर रहा हूं। अब इसी में अगर देखोगे तो कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी 4 होता है जबकि सिलिकॉन का मैक्सिमम वैलेंसी 6 हो जाता है, ये डिफरेंट बिहेवियर आ गया, एनोमेलस, इसको एनोमेलस बोला जाएगा। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी वैलेंसी 4 होता है जबकि फास्फोरस का 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, और वैलेंसी भी 2 होता है, जबकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, 8 6 होता है, इसका नहीं होता है। तो देखो डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 होता है जबकि क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, ये डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा है। फ्लोरीन का वैलेंसी 1 हुआ करेगा जबकि इसका वैलेंसी 7 हुआ करेगा। अब ये जो डिफरेंट होने का जो रीजन है वो क्या है, कि ये 4, ये मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही बना रहा है, यहां पर ये अल्मोनियम 6 कैसे बना रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा समय बता दे रहा हूं, देखो बोरॉन में क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p1 होता है ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे तो सब इसमें बताएंगे, और इसमें 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, मालूम है ना, जो हम ऐसे नॉर्मल लिख देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करता है, कैसे जंप करता है, क्यों जंप करता है, बाद में बात करेंगे। ये जंप करके यहां चला जाता है, ये एंटी क्लॉक से क्लॉक चला गया, सब छोड़ दो अभी। तो ये अब अनपेयर्ड कितना हो गया, 3 है। तो बोरॉन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में टीच करेंगे। तो 3 अनपेयर्ड को हम 3 डॉट लाइन से लिख देते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर मालूम है ना, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हमने लिख दिया। तो ये तो 3 किसी से बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग में जाएगा, जैसे क्लोरीन Cl एक यहां बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे बॉन्ड बनाएगा। मैं बनाने के लिए सब नहीं सिखा रहा हूं, बस बता रहा हूं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 बॉन्ड बनाया। तो इस केस में इसका वैलेंसी 3 होगा। अब ये शेयरिंग में जाएगा तो ये सब डबल डबल हो जाएगा, एक वैलेंसी से एक
खाली रहता है, ये खाली है। तो एक यहां इसका ऑर्बिटल्स, एक बॉक्स खाली है, यानी ये सामने वाला से अभी कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिससे दो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो एक दो तीन और एक चार, इसलिए इसका वैलेंसी चार होता है, इसलिए इसका वैलेंसी क्या होता है, चार होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे। अब अल्मोनियम के बारे में अगर हम सोचे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 10 दोबारा 13 ये होता है s2 और यहां 3p1 है, यहां है। अब उसी तरह से अल्मोनियम का कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों एक ही जैसा है ना, यहां भी दो था 2s2 और 2p1, 3s2 और 3p1 एक ही जैसा था ना, और ये जंप करके यहां चला गया, सब कुछ एक ही जैसा हो रहा है। अल्मोनियम भी तीन बॉन्ड बनाएगा, एक दो तीन, तीन अनपेयर्ड तीन बॉन्ड बनाएगा, एक दो तीन। अब इसके पास एक खाली है, लेकिन लेकिन यहां पर 3p के बाद 3d खाली है। अब ये मत सोचना कि 3p के बाद 4s आता है, आता 4s है, लेकिन 3 में s है, p है, फिर कौन है, d है, और d पूरा खाली रहता है। तो यहां पर d पूरा खाली है, ये जो d है 3d, 3p 3p 3s और 3d, तो यहां पर ये 3d पूरा खाली है। तो यहां पर अगर ये तीन बॉन्ड बनाया तो यहां पर ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो तीन वैलेंस वैलेंसी यहां पर 4, 5, 6। अब इसके बाद ये यूज नहीं करता, क्यों? अगर मान लो छोटा बच्चा को 1 kg सर पे लाद दो, फिर 2 kg लाद दो, 3 kg लाद दो, 5 साल का बच्चा है, 4 kg लाद दो, और जैसे 5 kg लाद दो बैठ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते करते एक लिमिट तक गेन करेगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 ऑर्बिटल्स यूज करेगा। ये 6 ऑर्बिटल्स कहां से आ गया, 6 ऑर्बिटल्स कहां से आ गया, इट इज ए कोड, हाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सही बोलो निमिष, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो आगे पढ़ाएंगे। तो 6 बॉन्ड कहां से आ गया, इसके पास क्या था, क्या नहीं था कि 6 बॉन्ड नहीं आया इसका, क्या नहीं था, और उसके पास क्या है कि वो 6 आ गया। उसके पास, इसके पास 3d है, इसके पास 3d नहीं होता है, है क्या 3d, इसके अलावा है क्या यहाँ पे 3d, यहां पर ये तो ये वाला तो यहां भी है, इसके पास एक्स्ट्रा क्या आ गया जो 6 बना दिया, 1, 2, 3, 4 इसमें भी 4 है, 1, 2, 3, 4 इसमें भी 4 है, एक्स्ट्रा क्या आ गया कि 6 हो गया, क्या आ गया एक्स्ट्रा 3d। तो सेकेंड पीरियड में, क्योंकि सेकेंड पीरियड है तो 2 ही तक होता है ना, इसमें 2d होता है क्या, तो इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं होता है, और जबकि इसमें d ऑर्बिटल्स होता है, इसके वजह से दोनों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, बॉन्ड बनाने का तरीका, वैलेंसी का तरीका, ऑक्सीडेशन स्टेट का तरीका, कई सारे तरीके चेंज हो जाते हैं। तो इन सेकेंड पीरियड डी ऑर्बिटल्स विल नॉट प्रेजेंट, एंड इन थर्ड पीरियड, अब सेकेंड और थर्ड ही क्यों बात कर रहे हैं हम, बाकी का नहीं पूछता उतना, बाकी एक जैसा होगा, इसमें इसमें एक कैटेगरी बन जाता है, एक लाइन खींच जाती है, भारत पाकिस्तान का बाउंड्री लाइन हो जाता है। इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होने की वजह से ये यूनिक बिहेवियर दिखाने लगता है, जैसे कि यहां पर कि बोरॉन मैक्सिमम 4 ही वैलेंसी होता है, जबकि अल्मोनियम का मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है। बस एक ही रीजन है, 4 से 6 क्यों हुआ, तो 2 एक्स्ट्रा d के वजह से आया है, और ये d इसमें होता है, इसमें d नहीं होता है, इस पूरे में d होता है। केवल हम अगर बात करें बोरॉन अल्मोनियम का, तो केवल यही नहीं सोचना है, ये भी सोचना है, यानी इस पीरियड में d होता ही नहीं है, और इस पीरियड में d के वजह से अब कार्बन 4 बनाता है, सिलिकॉन 6, इसके पास d ऑर्बिटल्स है। ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग जब टीच करेंगे ना, तब और उसमें तुम्हारा विजुलाइजेशन आएगा, अभी तो ये थोड़ा बता दिया ऐसे ही। तो यहां पर 3 बॉन्ड ये और एक खाली है, 4 है, लेकिन यहां सोचो को सर और भी खाली है और बना दो, तो मैं क्या बोला, बच्चा पे अगर लोड डालोगे तो बैठ जाएगा कुछ देर के बाद, तो ये 1, 2, 3, 4 बनाया, 5, 6 यहां तक बनाएगा, इसके बाद ये नहीं बनाएगा, क्योंकि ये खुद ही अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएंगे ना,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन भी होता है, मतलब प्रोटॉन में, और रिपल्सन भी होता है। कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो रिपल्सन बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन घट जाएगा, तो डोमिनेट कौन हो जाएगा? रिपल्सन। तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि एक एटम में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, लेकिन हम बार बार अट्रैक्शन बोलते हैं क्योंकि अट्रैक्शन डोमिनेट होता है, रिपल्सन डोमिनेट नहीं होता है। लेकिन कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो रिपल्सन क्या हो जाएगा? डोमिनेट, और वो इसीलिए एक लिमिट तक इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, तो ये खाली ऐसे रह जाते हैं, इसीलिए छह बॉन्ड बनाते हैं। तो मैं एक मोटा मोटी तुम्हें समझा दिया कि सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जो यूनिक प्रॉपर्टीज आता है, एनोमेलस प्रॉपर्टीज आता है, डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है, उसका रीजन है यही। इसमें डी सबसेल नहीं प्रेजेंट होता है और इसमें डी सबसेल प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से बॉन्ड भी अलग बनते हैं। आगे केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे, बॉन्ड भी अलग बनता है। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मैक्सिमम तीन बॉन्ड बनाता है, लेकिन फास्फोरस पांच बॉन्ड बनाता है। तुम सुने होगे PCl5, सुने कि नहीं सुने? लेकिन NCl5 नहीं होता है, NCl5 इज नॉट प्रेजेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि PCl5 में फास्फोरस पांच बॉन्ड बनाते हैं, सब केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे। यहां कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन NCl5 में नाइट्रोजन पांच बॉन्ड नहीं बनाता है, और बनाएगा भी तो कैसे बनाएगा, इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये डी ऑर्बिटल्स नहीं है इसके पास, इसलिए नहीं बनाता है। तो मोटा मोटी मैं बता दिया, जबकि ये बनाता है। इस केस में तुम देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे क्लोरीन पे -1 तो इस पे +1, -1 +1 -1 +1 -1 +1, इस पे +5 हो जाएगा, जबकि नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होता है। तो ये डिफरेंट बिहेवियर का जो रीजन है, समझ में आया थोड़ा बहुत क्या रीजन है? इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है। तो लिखो, पहला लिखना, पहला पहले एनोमेलस कौन कौन होता है उसका लिख लो, एनोमेलस क्यों, क्या क्या होता है, फिर क्यों होता है लिखेंगे हम। तो पहला लिखना लिथियम एंड बेरिलियम, राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। अब देखो, लिखने के पहले हम लिथियम और बेरिलियम का नाम ले रहे हैं, यानी बोथ एलिमेंट आर बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं? मेटल होते हैं। एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं? मेटल, और मेटल ज्यादा केस में आयनिक बॉन्ड बनाता है। मैं तुम लोग से बोला भी हूं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जब मिलेगा तो आयनिक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड के बारे में स्टार्ट करेंगे, जैसे NaCl, सोडियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक और क्लोरीन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, मेटल और नॉन मेटल, इट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। MgCl2, Mg बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, क्लोरीन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, इट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल। तो एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं वो, अब क्लोरीन, क्लोरीन का कोई फिक्स नहीं है कि वो आयनिक ही बनाएगा, क्लोरीन में ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अभी अभी तुम देखो PCl5 में, यहां क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, लेकिन एस ब्लॉक का फिक्स है को आयनिक बनाएगा। लेकिन उनमें से भी लिथियम और बेरिलियम होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं कोवेलेंट, जब केमिकल बॉन्डिंग टीच करूंगा तब बताऊंगा। तो ये, अब इसके नीचे वाला जो है सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में बात करें, ये जितने नीचे वाला होते हैं सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ये जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, नहीं बनाता, वो केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे। तो ये यूनिक बिहेवियर हुआ कि नहीं इसका, इसका हम इसके बारे में अभी नहीं बोल रहे हैं, इधर इसके बारे में बोल रहे हैं। यूनिक बिहेवियर हुआ कि नहीं, ये आयनिक बना रहा और ये कोवेलेंट बना रहा है, क्यों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो लिखना, लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर, लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तब रियल में तुम्हें केमिस्ट्री का नॉलेज आएगा, हाँ ऐसा होता है क्या।
लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर फॉर्म आयनिक कंपाउंड, रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर फॉर्म आयनिक कंपाउंड। यानी अगर हम एस ब्लॉक के बारे में बात करें तो लिथियम एंड बेरिलियम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग्स टू 3 to 7 पीरियड। ओके ना, तो इस दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग है, यूनिक बिहेवियर है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और बाकी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट लिखो, इन थर्ड ए ग्रुप मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4। अभी बताया, पहले ही बताया हूं कि बोरॉन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होता है, और अभी थोड़ा बहुत बताया कैसे 4 होता है। बोरॉन के अगर आउटर सेल में देखोगे तो 4 ऑर्बिटल्स यूज होते हैं इसके, एक एस का 3 पी का, इसीलिए 4 इसको बोलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में समझाएंगे उसको। बट रिमेनिंग एलिमेंट शो मैक्सिमम कोवेलेंसी 6। इसी ग्रुप का जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं, अल्मोनियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी अल्मोनियम, इंडियम, थैलियम, रिमेनिंग एलिमेंट शो मैक्सिमम कोवेलेंसी 6। रिमेनिंग एलिमेंट शो मैक्सिमम कोवेलेंसी 6। समझ में आ रहा कैसे हुआ ना? अब एक चीज और तुम्हें बता दे रहा हूं, वैलेंसी का मतलब आगे चल के होगा कि उतना बॉन्ड बना रहा है। तो अल्मोनियम 6 बॉन्ड बना लेता है, 3 कोवेलेंट और 3 कोऑर्डिनेट, और बोरॉन जो है 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और 1 कोऑर्डिनेट बनाता है। तो आगे हम समझाएंगे इस चीज को, ठीक है? अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा सब चीजें। आगे लिखना, हेलो, हाँ, नेक्स्ट लिखना, फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। अब ये वर्ड जो है केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे, अभी मैं बता भी नहीं पाऊंगा। पी पाई बॉन्ड। अब देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा मीनिंग समझा देता हूं। जैसे N2 है, N2 विल फॉर्म 3 बॉन्ड। अब तुम आगे चल के सीखोगे, 3 बॉन्ड में 1 बॉन्ड सिग्मा बोला जाता है और ये 2 बॉन्ड जो होता है पाई बोला जाता है। ये पाई कहाँ का होता है? तो ये पाई होता है, इसका नाम देते हैं पी पाई। पी जो है ऑर्बिटल्स का नाम है, SPDF वाला। तो पी जो SP बोलते हैं ना, पी ऑर्बिटल्स, उसका ये पाई है। O2 में डबल बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ये पाई पी पाई कहलाता है। क्यों कहलाता है सब बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो कह रहा है कि जो सेकेंड पीरियड में अगर एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, जैसे N2, O2, F2, वो पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अगर मान लो ये कंबाइंड हुआ SO3 या SO2, ये जब बॉन्ड बनाओगे, SO3 लिख देते हैं, तो इसमें एक पी पाई होता है और ये जो होता है वो PDY होता है। कैसे होता है? यानी कहने का मतलब मोटा मोटी सब क्या है पी पाई वो अलग मैटर है, तुम्हें जो चीज समझना है वो समझो। कहने का मतलब ये जो सेकेंड पीरियड वाले हैं, जो ये सेकेंड पीरियड वाले ये पी पाई बनाते हैं, जबकि थर्ड पीरियड वाले पी पाई और डी पाई बनाते हैं। ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा, यानी ये कभी पी पाई डी पाई नहीं बना सकते,
क्योंकि इसमें डी होता ही नहीं है, कहां से बनाएगा? डी होगा तब ना बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड पीरियड वाले नेवर फॉर्म पी पाई डी पाई, जबकि ये दोनों बनाने में सक्षम होते हैं। अब पी पाई डी पाई क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में समझेंगे। बात क्लियर हो गई? चलो अच्छा, और भी कई बिहेवियर जो है डिफरेंट है, बोल सकते हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग, जैसे यहां पर अब आगे नहीं लिखा हुआ है, तो और भी कई बिहेवियर डिफरेंट है फ्लोरीन का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होता है। ठीक है, नीचे लिखना, रीजन फॉर एबव एनोमेलस बिहेवियर इज ड्यू टू पहला पॉइंट लिखना, इन सेकेंड पीरियड डी ऑर्बिटल्स इज नॉट प्रेजेंट, इन सेकेंड पीरियड डी ऑर्बिटल्स इज नॉट प्रेजेंट, इन सेकेंड पीरियड डी ऑर्बिटल्स इज नॉट प्रेजेंट। और लिखना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकेंड पॉइंट लिखना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे सबके लिए सब रीजन सूट नहीं करेगा, अब जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे सूट करेगा, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है हमेशा, और इसका +7 तक हो सकता है। तो इस केस में हम तुम क्या रीजन बताओगे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या है, सबसे ज्यादा है, इसीलिए दिस वन इज ऑलवेज सो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट क्लोरीन विल सो -1, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। मालूम है ना, वैलेंसी बोल लो, इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी मैक्सिमम 7 होता है। तो ये रीजन क्या बोलोगे, क्या बोलोगे रीजन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत सबसे ज्यादा होता है, इसलिए -1 दिखाता हमेशा। तो यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल रीजन नहीं देंगे, यहां क्या देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया, यहां बोरॉन 4 बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है, अब यहां रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देंगे, यहां देंगे कि यहां डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, यहां डी ऑर्बिटल्स अब्सेंट है। समझ में आया? तो नेक्स्ट लिखना, लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। अब ये सूट करता है यहां पे, ये कैसे सूट करेगा वो बताएंगे आगे, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे, इसको रिवाइज करोगे, तो ये सब समझ में आने लगेगा। और फोर्थ लिखना, स्मॉल साइज, इसका सेकेंड पीरियड का स्मॉल साइज होता है, सब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका लॉजिक स्मॉल साइज होगा, यानी घूम फिरा के अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एनोमेलस बिहेवियर क्या है, तो उसका रीजन इसी चारों में कोई एक होगा, इसी में से कोई एक घूमेगा। अब सुटेबल आंसर कौन होगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है, बट एनोमेलस बिहेवियर का 4 ही रीजन है, और कौन सा आंसर कैसा सूट करेगा तुम और थोड़ा केमिस्ट्री जानोगे तब उसमें आएगा। बात हो गई क्लियर? टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है इस ब्लॉक का, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना,
रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज। रिड्यूसिंग करेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। रिड्यूसिंग करेक्टर मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लूज करने का टेंडेंसी होता है ना। चलो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तुम्हारा फिनिश हो गया। तुम्हारा अब काम क्या है? होमवर्क लिखो, कल भी दिया था, लेवल वन और टू क्लास वर्क और होमवर्क ऑल टॉपिक तुम्हें कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? लेवल थ्री मैं कराऊंगा, तो 2 से 3 दिन तुम्हारा डाउट सेशन चलेगा। किसका रीजन चाहिए फिर से? एक और आ गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, लिख लो। हालांकि इलेक्ट्रो नेगेटिव लिख लो, एक और लिख लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर तुम्हें स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जब तुम्हें याद होगा क्या, जब मैं एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा रहा था लूज करने की टेंडेंसी। तो लिख लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। लिखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ये स्टार्टिंग में ही बताया था, हालांकि टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ कि लिथियम जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या सीजियम? कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? कौन लूज करेगा? सीजियम करेगा ना। क्यों करेगा? साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आसान से निकल जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कौन सा एनर्जी दिया जाता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें एनर्जी कम दिया जाएगा, इसमें एनर्जी ज्यादा दिया जाएगा, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो सब चीजें बाद में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का टेंडेंसी किसमें ज्यादा है? इसमें। साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाता है। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। तो लिखो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। अब समझ सकते हो क्यों इंक्रीज होगा, रीजन लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा और हम कम एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ये सब लिखवाया हुआ था हालांकि पहले, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोर मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। तो मुझे बताओ टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ये पहले लिखवाया था जब अल्कली मेटल पढ़ा रहा था, इस बार डिस्कस किया था। चलो अभी तुम क्या करो, बैठ के और लेवल वन और टू होमवर्क कंप्लीट करो जितना मैं दिया हूं, कल हम डाउट लेंगे सारे टॉपिक अभी अभी का अभी। महिलाएं हो ना, पीडीएफ से जल्दी बनाओ, तुम लोग वॉल्यूम नहीं मिला है क्या अभी? अच्छा नेचर ऑफ ऑक्साइड भी बचा हुआ है, रुक जा रुक जा, क्या क्या बचा हुआ है? अच्छा इधर भी है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड फंडामेंटल में नहीं पढ़ाया था? मेटल क्या बनाता है ये सब चीजें सब पढ़ाया हुआ है। मेटल क्या बनाता है? बेसिक बनाता है ना, ये सब चीज पढ़ाया हुआ है। हेडिंग डालना, बोल रहे हो कि पढ़ा दो सर, तो पढ़ा दे रहा हूं, अदरवाइज सब पढ़ाया हुआ है। नेचर ऑफ ऑक्साइड,
नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो मुझे बताओ पहला पॉइंट कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। क्या फंडामेंटल में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था चीजें? व्हेन मेटल रिएक्ट विथ मेट ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब पानी में डाला जाता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, बनाता है कि नहीं बनाता है? अब लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड, तो जितना अच्छा वो मेटल होगा उतना ही उसका बेसिक नेचर क्या होगा? ज्यादा मोर मेटालिक नेचर, मोर मेटालिक प्रॉपर्टीज, मोर मेटालिक प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ाया हुआ है। मोर बेसिक नेचर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था फंडामेंटल में? मोर मेटालिक प्रॉपर्टीज, मोर बेसिक नेचर। तो मुझे बताओ लिथियम अच्छा बेस है कि सीजियम? सीजियम इज ए, तो टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज। तो टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर विल इंक्रीज। टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर विल बी इंक्रीज। तो ये बात फंडामेंटल में पढ़ा दिया था, मेटालिक मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, टॉप टू बॉटम बेसिक प्रॉपर्टीज विल बी इंक्रीज। ये जब हम बात कर रहे हैं अल्कली का, अल्कलाइन का भी ऐसा ही बात करेंगे। ये बात लिख लिए होगे, अब आते हैं एसिड पे। अगर इसके हाइड्रोक्साइड लिखना है तो भी लिख लो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड कौन होता है? सीजियम। सोडियम तो स्ट्रॉन्ग होता ही होता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीजियम हाइड्रोक्साइड होता है। लिखो, क्योंकि जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो इन हाइड्रोक्साइड में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये है। सोडियम तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे भी स्ट्रॉन्ग ही है। चलो अब मुझे बताओ कि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। तो लिख लो, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो मुझे बताओ कि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? क्या होगा इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ, फ्लोरीन लूज करने का टेंडेंसी रखता है कि डिक्रीज करने का? फ्लोरीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर नॉन मेटालिक। तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। एस ब्लॉक मेटल होता है, पी ब्लॉक नॉन मेटल हो जाएगा।
लेफ्ट वाला मेटल होगा, राइट वाला नॉन मेटल होगा, होगा ना। चलो तो हम एस ब्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एस ब्लॉक तो मेटल मेटल है, वो तो मेटालिक बनाएगा। पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। पी ब्लॉक स्टार्ट होता है बोरॉन से, बोरॉन बी सी एन ओ एफ। तो इसका ऑक्साइड होता है B2O3, इसका ऑक्साइड होता है CO2। हम CO के बारे में बात नहीं कर रहा, N2O5 इसका तो कोई वो नहीं है, और इसका ऑक्साइड O2F2 भी लिख सकते हो। ये बोरॉन का ऑक्साइड है, ये कार्बन का ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, और ये फ्लोरीन का ऑक्साइड है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये एसिडिक होगा सबसे ज्यादा। एसिडिक नेचर क्या होगा? अब देखो ध्यान से, जब इसको पानी में डाल दोगे तो ये बोरिक एसिड बनता है, H3 सब नाम लिखवाया हुआ है, एसिडिक बोरिक एसिड। इससे ज्यादा एसिडिक होगा, इसको पानी में डालोगे कार्बोनिक एसिड, सब नाम लिखवाया हुआ मैंने। इसको पानी में डालोगे HNO3, और इसको पानी में डालोगे HCHFO4। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर विल बी इंक्रीज। ये एसिडिक नेचर नहीं, एसिडिक है। ठीक है, अगर इसके नीचे वाला देखना है तो AlOH3, इसके नीचे वाला SiOH4। H3PO4, HClO4। तो ये एसिड नेचर बढ़ेगा। ये एसिड नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होगी? बढ़ेगा ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राइट वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट। अगर हमारे को कंसेप्ट ये दे दिया जाए कि एक ही कंपाउंड का एसिड दे दिया जाए, जैसे हमें दे दिया जाए H2SO3 और हमें दे दिया जाए H2SO4, ये दोनों सल्फर का ही एसिड है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक सल्फ्यूरस एसिड है। तो अगर सेम एलिमेंट का एसिड अगर होगा, सेम एलिमेंट का अगर एसिड होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इफ एसिड ऑफ सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट का एसिड दिया जाए तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हुआ तो उसका एसिडिक करेक्टर, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा। तो तुम यहां पर सल्फर का निकालोगे तो आएगा +4, और यहां पर निकालोगे तो निकाल हो जाएगा +6। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका एसिडिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा। मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर एसिडिक प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, सल्फर +4 बड़ा होगा कि छोटा कौन होगा, +4 या सल्फर +6 कौन छोटा होगा? एक गधे आगे बैठो चेयर उठा के मारेंगे, कौन छोटा होगा? सल्फर +4 गधे हो गया, +4 छोटा होगा कि +6 छोटा होगा? कई बार बताया हूं ना कि जितना चार्ज ज्यादा लगेगा छोटा होता जाएगा। छोटा होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बड़ा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब फ्लोरीन छोटा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो उसका अट्रैक्ट करने का पावर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एसिडिक ज्यादा हो जाता है। मोर पॉजिटिव चार्ज,
स्मॉल साइज, स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा। अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि H3PO4 और H3PO3, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 आएगा, यहां पर प्लस 3 आएगा। तो इस दोनों ही केस में जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होगा, एसिडिक जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछा जाएगा HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ये क्लोरीन का एसिड है, ये क्लोरीन का एसिड है, तो क्लोरीन का एसिड है तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो प्लस 1 आएगा, यहां प्लस 3 आएगा, यहां पर प्लस 5 आएगा और यहां पर प्लस 7 आएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? ऐसा नीट में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो प्लस 1 और प्लस 7, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक, याद रखना, लेकिन सेम एलिमेंट से बना होना। तो मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट कैसे कंपेयर करोगे नॉन मेटालिक करेक्टर पे, और सेम अगर आएगा तो कैसे कंपेयर करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट पे। कोई डाउट है? न्यूट्रल बताया था ना, जिसको आना है कॉलेज कोई भी आ सकता है, परमिशन लेके आते हैं ना, किससे? प्रभु सर से। कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस जाके एक बार सर से कांटेक्ट कर लो, जिसको जिसको आना है सर से पूछ के आ सकते हो। कोई डाउट है तो बोलो।